हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माता पिता बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो क्या उससे फ़ायदा होता है। तो चलिए इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, चलते चलते लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में 12 करोड़ से अधिक छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भारत की कुल आबादी यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी आबादी का 50% है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने का कारण यही होता है या माता पिता को बच्चों को स्कूल में भेजने का यही रीज़न रहता है कि वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बचपन से ही जब वो स्कूल में पहली बार जाएं तभी से लेकर के जब वो अपनी पढ़ाई को एंड करें तब तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करें। वो इसलिए ऐसा सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा अपनी एक ये इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है इसे बहुत अच्छी तरीके से सीख ले, क्योंकि देखिए मदर टंग जो हमारी हिंदी भाषा है वो तो बच्चा घर में प्रैक्टिस कर लेता है, ठीक है। अब हर किसी को इंग्लिश नहीं बोलने आती, तो इसलिए माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। तो जो भी मेरे को सुन रहे हैं पेरेंट्स या बच्चे सुन रहे हैं, तो आप मुझे हॉनेस्टी के साथ बताइएगा कि क्या ये बेनिफिट रहता है या इसका फ़ायदा बच्चे उठाते हैं या फिर बच्चों को इसका फ़ायदा होता है। तो चलिए इसी पे बात कर रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सर्वे के अनुसार जो चीज़ पता चली है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेट ऑफ द सेक्टर जो है उसमें सर्वे हुआ था, तो उसमें पता चला है कि 60% जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में जाने वाले उनको सिंपल डिवीज़न प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी नहीं आती है, ठीक है। कुछ 10th के ऐसे बच्चे हैं जो आज भी अच्छे से पैराग्राफ, आर्टिकल्स, लेटर, इवन सिंपल सी एक सिक लीव की एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर पढ़ाती नहीं है, इसका कुछ अलग ही रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि हम यानी कि माता पिता और बच्चे वो अपने पढ़ाई को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स कह रहे होंगे कि मैम कह रही हैं माता पिता। जी हाँ, माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसके बच्चे की पढ़ाई को लेकर। आप ये सोचिए कि सर्वे के अनुसार पता चल रहा है कि 10th क्लास का बच्चा एक छोटा सा पैराग्राफ नहीं लिख सकता, और ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप अपने घर में काफ़ी बच्चों को ऐसा देखते हैं कि 9th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, वो ढंग से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, उन्हें बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है, बट वो पढ़ाई के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, इसी वजह से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ उस पर पूरा ध्यान दें, उसको बार बार मोटिवेट करें, उसको बोलें कि इस जो भी लेसन को पढ़ाया गया है या जो भी आपको बेसिक चीज़ सिखाई गई है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चा प्रैक्टिस में आएगा और उसका इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि अब ये जो रेशो मैंने आपको बताया है 60% बच्चों का जो सिंपल डिवीज़न जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स की हेल्प से शायद आने वाले टाइम में ये रेशो कम होता चला जाएगा और एक दिन हमारे भारत में 100% बच्चा इंग्लिश बोल भी पाएगा, समझ भी पाएगा और लिख भी पाएगा। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, चलते चलते लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।